अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं और मैं फ़िलहाल यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है हल्के से मिली याकूतपुरे के एक महल्ले चंद्रा नगर, जो बड़ा बाज़ार रोड के बाजू में आता है, वहाँ पर एक आग लगने का वाक़या हुआ। अब अभी पता नहीं चल रहा है कि एक मकान में आग लगी फर्स्ट फ्लोर पे, क्या वो सिलेंडर के प्रॉब्लम से आँच लगी या शॉर्ट सर्किट से लगी या कुछ पटाखे वहाँ पर रखे हुए थे उसकी वजह से लगी। तो आग लगने में जो है तकरीबन 5 लोग ज़ख्मी हुए थे। मोहनलाल का मकान था। मोहनलाल 55 साल उम्र है, जो दोषे की बंडी लगाते थे, इनका देहांत हो गया, इनका इंतकाल हो गया। उनकी अहिल्या उषाबाई 50 ईयर्स, उनका भी इंतकाल हो गया। जैसे ही इनको हम यशोदा हॉस्पिटल, इनको हम उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को लेकर गए थे, तकरीबन 5 ज़ख्मियों में से 2 को जो है अपोलो हॉस्पिटल ले गए थे, 3 को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। और इनकी एक मैं समझता हूँ 89 है श्रुति, जिसकी उम्र 25 साल है, ये लड़की भी शदीद ज़ख्मी हो गई थी। तो मोहनलाल का इंतकाल हो गया, उषाबाई का इंतकाल हो गया। हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही थी। तो इमीडिएट मैं क्या किया, श्रुति को जो है यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में शिफ्ट किया। खैर डॉक्टर्स तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएट 2 लाख रुपए जमा करो बोलकर बोले, क्योंकि उसके पूरा जो लंग्स है पूरे कंजस्टेड हो गए लंग्स, और लंग्स कंजस्टेड होने की वजह से पूरा उसको दम चढ़ रहा इसोफेगस में, और कुछ जली हुई भी है लड़की। जब अंदर से लंग्स पूरे क्लियर करे तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मेरी उनसे गुजारिश है कि श्रुति इज़ फाइटिंग फॉर लाइफ एंड ही नीड्स योर हेल्प, बिला मजहब व मल्लत इसकी मदद करिए। जवान लड़की है, बहुत परेशान है, इसके माँ बाप बाहर बहुत रो रहे हैं। तो इनके एक भाई है गणेश लाल, हम उनका गूगल पे नंबर अकाउंट नंबर दिए हैं, उनका गूगल पे नंबर है 9849851306, इनका नंबर है। आप तमाम से एक दर्दमंदाना अपील है अमजदुल्ला खान की, उसकी एक बहन श्रुति जो है यशोदा हॉस्पिटल में तड़प रही है, ऑक्सीजन मुख्तलिफ किस्म का ऑक्सीजन लगा दिए उसको, और इमीडिएट पैसों की ज़रूरत है। जो भी ये देख रहे हैं इमीडिएट आप डोनेट करिए। शुक्रिया, यार जिंदा सबद बख्त। पूरा बस्ती के लोग फर्स्ट निकाल के पूरे जितने भी इंजुर्ड लोग हैं पूरे बाहर निकाले, निकाल कर पूरों को हॉस्पिटल पहुँचाए। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करीब में फर्स्ट पूरा आज तकरीबन पूरे के बाद आया। पहले बस्ती वाले छोटा चंद्रा नगर, हमारे फैसल अमूदी साहब, सलमान, ये जितने लोग हैं पूरे MBT वर्ग का पूरे मिलकर फर्स्ट निकाले, निकाल के काम करें। अलहमदिल्ला अभी फायर डिपार्टमेंट आया, पुलिस डिपार्टमेंट आया, अभी महिला कर रहे हैं। क्या है शॉर्ट सर्किट की असली वजह क्या है वो मालूम करेंगे। थोड़ी आगे है बटाद और मुंजिला मिली के घर में आग लगी, बोल रहे दोस्तों के साथ निकल गया है। आगे देखे तो पूरा घर में सब आगे आग की, और हमारे से पहले बस्ती के जितने भी पहले के नौजवान थे पूरे बिला मजहब, हर कोई पूरा अंदर घुस गए। अंदर घुसने बाद ऐसा हाल था कि हमारी सांस लेना फिर उन्हें मुश्किल हो गया था। फिर भी बड़ी मुश्किलों से अंदर से 3 जनों को निकाले और उनका कंडीशन एकदम सीरियस है। हम निकाल के समझो 8 में 2 जनों को एयरपोर्ट को भी गया, 2 लेडीज है, जेंट्स है, इसमें जेंट्स को पूरे शहर हॉस्पिटल को भी जाए। तो बस दुआ कीजिए उनकी सहजयाबी के लिए, कल्ला उनके साथ फिर आप जाता है। हम रेगुलर है, एक्चुअली गोशे की बंडी है।